सो व्हाट्सअप गाइस, तो फ्रेंड्स आपने जैसे कि कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में तो सुना ही होगा और कुछ आपने यूज़ भी किए होंगे, लेकिन अगर वो की अगर आपकी ख़राब हो जाती है तो कोई ऑल्टरनेटिव शॉर्टकट की शायद ही आपको पता हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हम बेसिक शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कॉपी के लिए Ctrl+C, कट के लिए Ctrl+X, तो अगर वो की काम ना करे तो उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव की। सो विदाउट वेस्टिंग मी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम निखिल शर्मा, यू वॉचिंग माई चैनल टैक निखिल शर्मा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टॉक अबाउट आर फर्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की। सो जो पहली शॉर्टकट की यहाँ पे है वो है रीडो की। तो इसकी जो एक्चुअल शॉर्टकट की होती है वो है Ctrl+Y, और जहाँ तक ये हम सभी ने यूज़ कर रखी है अगर आप लोग कोई वर्ड या फिर MS का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो इसकी जो एक्चुअल होती है शॉर्टकट की वो होती है Ctrl+Y, बट इन केस अगर कोई की अगर काम करना बंद कर देती है तो इस केस में हम यूज़ कर सकते हैं Shift+Alt+Backspace का। सो ये बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव था। सो लेट्स मूव ऑन टू आर सेकेंड कीबोर्ड शॉर्टकट की। सो जो सेकेंड शॉर्टकट की है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कट की। तो इस शॉर्टकट की का हम सभी ने यूज़ करा होगा, और इसकी जो एक्चुअल शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+X, बट इन केस इनमें से कोई की ख़राब हो जाती है तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं Shift+Delete का। सो Shift+Delete से जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर रखा होगा या फिर कोई भी एप्लीकेशन वो कट हो जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड शॉर्टकट। सो फ्रेंड्स, जो थर्ड शॉर्टकट की जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है कॉपी शॉर्टकट की। सो इसका बेसिकली यूज़ वहाँ होता है जब हमें कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट बार बार हमें पेस्ट करना पड़ता है, उसको बार बार एंटर करना पड़ता है, तो उस केस में हम कॉपी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो एक्चुअल शॉर्टकट की होती है वो है Ctrl+C, बट इन केस ये कीज़ ख़राब हो जाती है तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं Ctrl+Insert की। सो इसी के साथ जो शॉर्टकट की रिक्वायर्ड होती है वो होती है पेस्ट की। सो कॉपी तो कर लिया बट पेस्ट भी करना इंपॉर्टेंट है, तो पेस्ट के लिए जो एक्चुअल शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+V की, बट इन केस एक भी शॉर्टकट की ख़राब हो गई तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं Shift+Insert की का। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ शॉर्टकट की। सो गाइस, ये है फोर्थ और लास्ट शॉर्टकट की। तो ये कोई कीबोर्ड शॉर्टकट की नहीं है, इसके लिए हमें माउस भी रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आपको वर्ड या फिर किसी भी टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कोई भी पूरा पैराग्राफ कॉपी करना है तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, माउस को ड्रैग करके पूरा एंड तक लेके आएंगे, सब पूरा सिलेक्ट होगा। बट इससे भी ज़्यादा सिंपल और ईजी ट्रिक है, बस आपको करना ये है कि प्रेस करना है कंट्रोल और डबल क्लिक कर देना है पैराग्राफ में कहीं पे भी, पर सिर्फ पैराग्राफ में क्लिक करना है जिसको हमें सेलेक्ट करना है और पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। सो इसी के साथ लेट्स एंड दिस वीडियो हियर ओनली। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल यू, देन प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस वीडियो देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो।